हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अक्सर बहुत सारे लोग हमेशा मुझे कमेंट करते हैं कि गाड़ी तो चलानी मुझे आती है बट मुझे डर लगता है, अपने डर को कैसे हटाएं। तो गाइस, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। तो गाइस, उसी चीज के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी डर को हटा सकते हैं। तो गाइस, अगर आपका भी ये प्रॉब्लम है, आपको भी गाड़ी चलाने से डर लगती है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। मेक श्योर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि डर किस लिए लगता है। तो उससे पहले मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ, आप एक मिनट का टाइम देखिए, इसको जरूर सुनिए, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो जैसे मुझे भी डर लगा था, मुझे डर कब लगा था कि जैसे ही मैंने सपोज कोई एग्जाम देने जाना था मुझे, और मुझे उस चीज का मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि अब वो एग्जाम हो रहा तो मुझे तो डर लगना ही लगना था कि कहीं ना मैं फेल हो जाऊं। तो किसी तरह से मैं डरते डरते एग्जामिनेशन हॉल में चला गया और वही वही क्वेश्चन आया जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो गाइस, डर तो मुझे लग ही रहा था और साथ ही साथ वो क्वेश्चन देख के और ही घबराने लगा, तो एंड ऑफ द डे मैं फेल हो चुका था, ये हकीकत है। ठीक है, तो इसी चीज को मैं अगर आपको ड्राइविंग से बताता हूं, तो ड्राइविंग से इसी चीज को आपको बताना चाहूंगा कि डर सब जगह कॉमन होता है और उसके पीछे जो रीजन होता है वो कहीं ना कहीं आप ही होते हैं। अगर मैं वो चीज पढ़ लेता या फिर वो सब्जेक्ट अच्छे तरीके से तैयारी कर लेता एग्जाम के लिए, तो मुझे वो एग्जाम में डर बिल्कुल भी नहीं लगता और मैं इजिली पास हो सकता था, फेल तो बिल्कुल नहीं होता। वही हाल है सेम आपको ड्राइविंग में। अगर आपको ड्राइविंग से डर को निकालना है तो सबसे पहले अपने हर एक चीज पे कमांड करना होगा। देखिए, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि आपको समझना होगा, तो स्टेप वाइज आपको हर एक चीज को क्लियर करना होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई टॉप सीढ़ी पे चढ़ना चाहेंगे, कोई स्टेयर के ऊपर चढ़ना चाहेंगे, तो आप एक दो स्टेप करके ही चढ़ेंगे, ये नहीं कि नीचे से डायरेक्ट ऊपर चाहेंगे। तो इसको आपको कैसे करना है, ये आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहले जो आपको करना है क्या है कि सबसे पहले खाली जगह में, आप बिगनर भी है कोई प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वीडियो दोनों के लिए। ठीक है, सपोज आप गाड़ी के अंदर इन किए, तो देखिए गाड़ी में डर किस लिए लगता है। पहला, ये गाड़ी मेरा झटका से बंद तो नहीं हो जाएगा, या फिर ट्रैफिक में मैं किसी को ठोक ना दूं, या ट्रैफिक में गाड़ी बहुत हॉर्न देगा, मेरा गाड़ी स्टार्ट ही ना हो, या फिर बंद हो जाए, या झटका लेने लगे, या बहुत ज्यादा रेस देना लग रहा, यही सारा चीज हो सकता है, और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। यही डर रहता है कि गाड़ी बंद ना हो जाए, या फिर गाड़ी किसी को मैं ठोक ना दूं, यही सारा चीज हो सकता है ट्रैफिक में। तो अगेन आपको देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इनिशियल से सपोज आप गाड़ी घर में खड़े किए तो वहां पे प्रैक्टिस करें। देखिए, कोई भी आपको डायरेक्ट ग्राउंड से बताएगा, मैं आपको घर से बता रहा हूं प्रैक्टिस करने, ग्राउंड भी जाने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। सबसे पहले आप क्या करें कि घर पे गाड़ी जहां पे भी खड़ी है, गाड़ी स्टार्ट भी करने की जरूरत नहीं है, क्लच दबा करके, ये जो गियर है खास करके मैनुअल गियर में, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसको आप क्या करें पेपर में यहाँ पे चिपका लें और इसको जस्ट पूरा प्रैक्टिस करें, 1 2 और बोल बोल के करें। ये चीज ध्यान रखें, जैसे सपोज एग्जाम में या स्कूल में आप देखे होंगे कि बच्चे लोगों को टीचर सिखाते हैं तो वो बोल बोल के सिखाते हैं ताकि उसके जहन में, उसके दिमाग में वो चीज आ जाए। तो जस्ट आपको भी वही करना है कि आपको जस्ट आगे देखना है, हमेशा ध्यान रखें जो आपका जो विजन है, जो आंख है, वो सामने की ओर हो, ना कि गियर लगाते हो यहां देखें या फिर क्लच दबाते हो यहां देखें, इधर नहीं देखना है आपको, स्ट्रेट देखना है और ऐसे लगाना गियर, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर, और फिर न्यूट्रल करके ये रिवर्स, ये सारा चीज को आपको इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना है कि आपको हाथ को पता चल जाएगा कि कब मुझे कौन सा गियर लगाना है और कौन सा नंबर पे चल रहा है, कौन सा कब गियर चेंज करना है, ये सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड, आपको स्टेयरिंग पे कंट्रोल करना है। स्टेयरिंग पे कैसे कंट्रोल करना है कि आपको स्टेयरिंग पे हाथ पे ऐसे जैसे सपोज आपको ऐसे होल्ड करना है, अब इसको ऐसे करके इतना ज्यादा कमांड कर लेना है कि आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा जगह पे कितना आपको टर्न करना है। ठीक है, ये चीज आपको पता हो जाएगा। सेकंड, अब जो आपको प्रैक्टिस करना है वो आप क्लच का प्रैक्टिस करना है। क्लच को भी आपको अच्छे तरीके से कहीं पे भी, अब आप कहीं पे भी सपोज ग्राउंड में या फिर कहीं पे भी खाली जगह है तो थोड़ा सा 1 नंबर लगा के, अभी आपको एक्सेलेरेटर भी नहीं देना है, हल्का हल्का क्लच को छोड़ करके आगे बढ़ाना है, फिर रोकना है, फिर न्यूट्रल करना है, फिर 1 नंबर देना है, फिर न्यूट्रल करना है, इसको इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना है कि 1 नंबर में गाड़ी आपको बंद होना ही नहीं चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग होता क्या ना, अच्छा कुछ दिन चलाते चलाते अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप कुछ भी नहीं होता, सब कुछ आपको करना है, अपने आप होता ही नहीं कुछ,
जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी और उतना बेहतर तरीके से आप गाड़ी को चलाना सीख सकते हैं। तो गाइस जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी करेंगे कि मुझे कहाँ कहाँ पे किन किन चीजों में फॉल्ट हो रहा है। सपोज बहुत सारे लोगों का जो प्रॉब्लम होता है कहीं पे भी अपील में कहीं पे भी चढ़ाव में देखे होंगे कि गाड़ी वहां पे बंद हो जाती है, अब गाड़ी रिवर्स आने लगती है। तो इस चीज को पूरा प्रैक्टिस करना है। इसको कहां पे प्रैक्टिस करना है, कहीं पे भी खाली जगह देखें जहां पे भी थोड़ा सा, जैसे यहां सपोज यहां पे अप है, यहां पे प्रैक्टिस करें इस टाइप के जगह पे कि जहां पे मुझे हल्का सा उठाए फिर गाड़ी को वहीं रोक दे, फिर वहां से न्यूट्रल करके फिर एक नंबर देके पार करें। जहां पे जर्किन है, स्पीड ब्रेकर है, वहां पे भी गाड़ी रोके एक नंबर दें, पार करें, फिर न्यूट्रल करें, फिर पीछे आके फिर से उसको जर्किन को पार करें, ताकि जो है हर एक सिचुएशन को आप कोशिश करें जितना तक सिचुएशन मुमकिन हो सके उस सिचुएशन से पार करने का तरीका को आप अच्छे तरीके से सीख जाए, एक्सपीरियंस कर ले, ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। देन जब आप ये सारा चीज एक्सपीरियंस हो जाएंगे तब आप धीरे धीरे एक सिंगल लेन का रोड चुने जहां पे खाली हो, मॉर्निंग में निकले, अर्ली मॉर्निंग में निकले, जहां पे रोड एकदम सन्नाटा हो घर वाले या मोहल्ले वाले रोड में, वहां पे आप गाड़ी को चलाना सीखिए। उससे क्या होगा, क्लच, ब्रेक, गियर, स्टेयरिंग सब चीज का कमांड हो जाएगा। जब ये सारा चीज पे आप कमांड हो जाएगा देन आप आराम से कोई रोड में चलाएं, धीरे धीरे कर करके उस ट्रैफिक को पार करें, सारा कुछ क्लियर होगा, देन यहां से आपका जो है डर खत्म होगा। डर यही सारा चीज से होता है गाइस। इसके लिए आपको मेन रोड पे जाके डायरेक्ट चलाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये आपको कहां पे चलाना है, खाली जगह पे, ग्राउंड पे, जहां पे उस हिसाब से लोकेशन हो, उखड़ खाबड़ रोड हो, जहां पे एकदम स्लो चलाना है। प्रैक्टिस कभी भी हाई स्पीड में नहीं किया जाता है, प्रैक्टिस एकदम लो गियर में किया जाता है, एक नंबर दो नंबर, एक नंबर दो नंबर, ये सारे गियर लगा करके आप जो खराब खराब रास्ते से इजिली पार कर सक रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी नहीं बंद हो रही है इसका मतलब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं उस सारे रास्तों के लिए। तो अगेन ये सारा चीज एक एक करके आपको क्लियर करना। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए समय के हिसाब से आपको समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि अभी मुझे टाइम है, मैं अगेन एक दो साल तक मेरे हाथ क्लियर हो जाएगा, मैं आराम से चलाना सीख जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। देखिए हर एक चीज माइंड पे डिपेंड करता है। जो माइंड होता है ना वो 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये सारा एज में बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट लर्निंग होता है, बहुत जल्दी कैचिंग पावर होता है। बट आप किसी के बुजुर्ग को देखेंगे जिसका एज 40, 50, 60 इस वाले एज में आते हैं, वहां पे देखेंगे डर रहता है। उनको आप कितना भी सिखाएंगे बहुत जल्दी कैच नहीं कर पाएंगे और उनका डर बना रहता है, ये डर उसके माइंड में घुस जाता है। बट आप कोई चाइल्ड से बात करेंगे 16, 17, वो लोग रिस्क भी ज्यादा लेंगे, देखेंगे बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा है, तो ये सारा चीज उनको अभी पता नहीं है। तो इस वाले एज में अगर आप चलाना सीख रहे हैं तो ये सबसे बेहतर एज है आपके लिए, और इससे आप बहुत जल्दी कैचिंग, बहुत जल्दी कैच भी कर लेंगे, बहुत जल्दी सीख भी जाएंगे। तो कोशिश करें कि आज ही ये सारा डॉट को क्लियर कर लें, आज ही जिससे आपको डर लग रहा है, जो चीज से डर लग रहा है उसको बार बार करें, ताकि डर को भी आपसे डर लगने लग जाए। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं पे भी गाड़ी चला सकते हैं। गाड़ी चलाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं, बहुत इजी काम है। आपको जस्ट अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि आप कभी चलाए नहीं है, जस्ट आप अच्छे तरीके से चलाना सीख जाएंगे देन आप इसको एंजॉय करेंगे। गाड़ी चलाना एक शौक है, इसको आप एंजॉय करके जितना चलाना सीखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए भी बढ़िया होगा, उतना अच्छे से भी आप चला पाएंगे। इसको सीरियस लेने का भी जरूरत नहीं है। हाँ, सीरियस लेने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम इग्नोर करके गाड़ी चलाएं, बट आप कैजुअली चला सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करके भी चला सकते हैं, हंसते खेलते भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप उस वक्त तक आपका हाथ, आपका पैर, आपकी आंख, हर एक आपके माइंड सब कुछ फिट हो जाएगी गाड़ी के लिए। आप अगर ये बात करके भी चला रहे तो आपको हाथ को पता होगा कि मुझे कब कितना टर्न लेना है, आपके पैर को पता होगा मुझे कब ब्रेक और कितना एक्सीलरेटर देना है, ये सारा चीज डिवाइड हो जाएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस ये सारा चीज जो टिप्स है ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपका जो डर है वो हमेशा खत्म होगा। और आप एक बार ट्राई जरूर करके देखिए, उसके बाद आप मुझे कमेंट करें कि क्या वाकई ये टिप्स आपको काम किया या ना किया। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो इसे दिल से लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें ताकि उन लोगों के पास इन्फॉर्मिंग वीडियो पहुंच सके। तो गाइस अब तक जो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। तो गाइस आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।